आज समालखा में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के 87वें शहादत दिवस के मौके पर ऑल इंडिया यूटीयूसी जिला पानीपत की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेहर सिंह और AIUTUC के जिला सचिव ईश्वर सिंह दहिया ने की। UCI कम्युनिस्ट पार्टी के सोनीपत जिला सदस्य द्वारा शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं ईश्वर सिंह दया ने कहा कि आजादी के आंदोलन में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का मुख्य स्थान है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल इन तीनों के शहादत दिवस को पूरे देश में मनाती है, लेकिन ये सभी राजनीतिक दल क्रांतिकारियों की शहादत को सिर्फ और सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए एक औजार के तौर पर देखती है। सभी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा, आजादी आंदोलन के दौर के बाद से कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस सहित वामपंथी पार्टी CPI भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के विचारों के खिलाफ काम करती आई है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह का सपना था कि देश में ऐसे समाज का निर्माण हो जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे, तो वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सभी को समान मौका मिले। लेकिन सभी पार्टियां एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी महकमे में उद्योगों का निजीकरण कर रहे हैं जिससे बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी विचारों के विपरीत भगत सिंह को भी मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी आंदोलन के महान योद्धा भगत सिंह के पदचिन्हों पर चलते हुए जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन को तेज करने की आज के वक्त की जरूरत है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के 87वें शहादत दिवस पर ये सभा की जा रही है। SUCI मानती है कि ये जो समझौता इन संघर्ष की धारा के क्रांतिकारी थे शहीद आजम भगत सिंह व इनके साथी, इन्होंने एक सपना लिया था। खुद इन्होंने कोर्ट के अंदर कहा था कि मैं इनकलाब से मतलब समझता हूँ, मैं क्रांति से मतलब समझता हूँ कि देश के अंदर एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान का शोषण समाप्त होना चाहिए। सत्य खबर के लिए समालखा से रघुनंदन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।